हेलो गाइस नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार मैम। तो आज आपको मैं आपको लेके आ चुका हूं मेरा यूट्यूब चैनल ZB स्ट्रक्चर एंड कंसल्टेंट पे। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं आपको सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी एक और नई कहानी, एक और नई जुबानी। तो देखो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक फुटिंग है, फुटिंग CFT मतलब कॉलम फुटिंग नंबर 3। और ये जो हम आज इसकी कॉन्क्रीटिंग करने वाले हैं, इसकी कॉन्क्रीटिंग लगभग हो चुकी है आधी से ज़्यादा, बस थोड़ी सी और बाकी है। ये दोस्तों हमारा 5700x5600 का एक बहुत ही हेवी मास कॉन्क्रीटिंग का फुटिंग है, जिसका कॉलम है हमारा 750x750 का। ये भी बहुत हेवी है, कॉलम के अंदर इसमें 8x32 का है, 8x25 का है, और जो अपना राफ्ट हो गया या फिर फुटिंग हो गया दोस्तों, उसके अंदर बॉटम जाली है हमारा 16mm की और टॉप जाली है 12mm की दोस्तों, है ना, बराबर। तो इस प्रकार से हमारा रेंफोर्समेंट है। और देखो हमने इसको एक शटरिंग लगा रखी है, सपोर्ट लगा रखा है दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बातें होती है। और इसकी थिकनेस जो फुटिंग की वो 900mm बहुत हैवी थिकनेस होती है, इससे हमें शटरिंग खुलने का डर रहता है कॉन्क्रीटिंग के टाइम, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है शटरिंग में कि हमें सपोर्टिंग अच्छे से करनी चाहिए, हमें जो शटरिंग के जॉइंट होते हैं वो अच्छे से कनेक्ट करने चाहिए, हर चीज़ का एक बारी बारी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है इसमें अभी जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, एक्सक्यूशन करवाया था सीमेंट डाल दिया होगा ना, उसका ड्रेसिंग किया था, सीमेंट डाल दिया तो बढ़ जाएगा उसी में, ड्रेसिंग रेमिंग दोनों कर दिया था। उसके बाद में हमने इसके ऊपर 150mm का सैंड बिछाया था, 150mm का सैंड बिछाया था। Rana Sahara Rana Sahara Rana Sahara Rana Sahara